फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप देख रहे हैं, ये है दूध। ये मैंने 1.5 लीटर दूध लिया है। ये पैकेट वाला दूध नहीं है, ये भैंस का दूध है। ये मैं अपने बेबी को दूध किस तरह गर्म करके पिलाती हूँ, तो आप भी ये देख सकते हैं। मैंने इसको छान लिया है। अब मैं इसमें 1 ग्लास वाटर ऐड करूंगी। वैसे दूध सभी गर्म करना जानते हैं, पर मैं ये मेरे बच्चे का दूध है, मैं इसको इस तरह से ही गर्म करके पिलाती हूँ। वैसे सभी को गर्म करना आता है, मैं इसको इसलिए ऐसे गर्म करती हूँ जिससे इसमें मलाई ना पड़े और पूरा पौष्टिक मैं अपने बेबी को दे सकूं। तो इसको हाई फ्लेम पे ही गर्म करना है, हाई फ्लेम पे, स्लो फ्लेम नहीं करनी है। जब ये खोल जाएगा तब हम इसको स्लो करके 5 मिनट तक खोलाएंगे। तो सो गाइस, आप लोग देखते रहिए वीडियो को, स्किप करके मत देखिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा कि मलाई ना पड़े इसके लिए दूध को कैसे गर्म करना है। सीधी सी बात है, जब दूध को हाई फ्लेम पे गर्म करते हैं तब दूध में मलाई नहीं पड़ती है। वैसे दूध में मलाई पड़ने के लिए हमको स्लो फ्लेम पे ही दूध को गर्म करना होता है, तब एकदम अच्छी सी मलाई पड़ जाती है। पर ये दूध हम अपने बेबी के लिए गर्म कर रहे हैं, इसलिए इसको हाई फ्लेम पे ही गर्म करेंगे, स्लो फ्लेम नहीं करेंगे। आप लोग भी इसको एक बार इस तरह से गर्म करके ज़रूर देखिएगा, तो समझ में आपको आएगा कि मतलब दूध में मलाई ना पड़े इसलिए इसको कैसे गर्म करना है। मैं तो यही सजेस्ट करती हूँ कि जिनके जिनके बच्चे हैं, बेबीज़ हैं, अगर बच्चों को हजम हो जा रहा है, सूट हो जाता है, तो वो इसी तरह से दूध गर्म करके अपने अपने बच्चों को पिलाएँ। दूध में उबाल आने ही वाला है, इसको मैं इस तरह से चम्मच से चला दूंगी। अब इसको 5 मिनट तक अच्छे से पकने देंगे। पकने के लिए फ्लेम को स्लो कर देंगे। मिनट हो गए हैं, अब मैं गैस को बंद कर दूंगी और दूध को एक प्लेट से कवर कर दूंगी। दूध को ठंडा, वैसे तो शाम तक दूध ठंडा हो ही जाता है 3-4 घंटे में, लेकिन 3-4 घंटे का वीडियो दिखाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको फ्रिज के पानी में ठंडा कर रही हूँ, इसमें वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो और जल्दी से दूध ठंडा हो जाए। अभी तो दूध ठंडा होने में भी टाइम लगेगा, 10 मिनट तो लग ही जाएंगे। तो इस तरह से प्लेट से कवर करने से उसमें बिल्कुल भी मलाई नहीं पड़ेगा। और वैसे तो मैं इसको ऐसे ही गर्म करके प्लेट से ढक के छोड़ देती हूँ, शाम तक ये दूध ठंडा हो जाता है तो मुझे ठंडा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ये वीडियो में दिखाना है, इसलिए मैं जल्दी से फ्रिज का पानी डाल के इसको ठंडा करके आप लोगों को दिखाऊंगी। एक या दो बार आप उसको इस तरह से चम्मच से चला दीजिए, जब तक दूध ठंडा नहीं होता है उसको, तो 2 बार तक आप इसको इस तरह से चला दीजिए। आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी मलाई नहीं पड़ा है। अब मैं इसको फिर से कवर कर देती हूँ। दूध हमारा ठंडा हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी मलाई नहीं पड़ा है। वैसे तो सीधी सी बात है, दूध को आप हाई फ्लेम पे गर्म करिएगा, उसके बाद प्लेट से कवर करके रख दीजिएगा, वो तो शाम तक ठंडा हो ही जाएगा। दूध हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं।
कि इसमें बिल्कुल भी मलाई नहीं पड़ा। देख सकते हैं बिल्कुल वैसा ही दूध है जैसा था। ठंडा हो गया है दूध, हम आपको दिखाते हैं उंगली से। दूध हमारा ठंडा हो चुका है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं ये भी बताने वाली हूँ दूध को किस तरह से गर्म करें जो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटी मलाई पड़े। तो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय।